going to start 29th June 2021, the Hindu News Analysis. So let's go to the articles which we are going to discuss. First article is a teacher, three top solutions to connect with a student. Second article is about nuclear capable Agni-P missile test fired. Third article is that keeping alive conversations about AIDS. Fourth article is Ukraine-US launch Black Sea drill. Fifth article is about spending more, eating less data point. Sixth article is that NIA, that is National Investigation Agency, NSG, National Security Guard, they can find no debris of a drone at Indian Air Force Base. फिर सेवेंथ आर्टिकल इज अबाउट एलाओ सी ए एग्जाम्स ICI अर्ज कोर्ट. ठीक है. फॉर एट आर्टिकल इज अबाउट द लॉ ऑफ सेडिशंस इज अनकंडीशनल. फिर लास्ट में प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट आर्टिकल्स इज द टीचर थ्री टॉप सॉल्यूशंस टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स. तो ये केस स्टडी में आप यूज कर सकते हैं कि न्यूज़ क्या था कि टीचर कम्स अप विथ थ्री टॉप सॉल्यूशंस टू ओवरकम पुअर नेटवर्क्स कनेक्टिविटी. कोरोना वायरस क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल ऑप्शंस क्लास थ्रू वेरियस एजुकेशंस इनिशिएटिव्स लाइक ऑनलाइन क्लासरूम रेडियो प्रोग्राम etc. disruptions rural areas especially tribal and first generation learners lack the adequate facilities or presental backups to ensure connectivity in learning. Major issues kya tha ki problem of weak receptions and signals of a service provider. Articles kya hai मिस्टर सतेश कनेक्टिविटी इशू था. ठीक है. डिफरेंट डिफिकल्ट्स टू स्टे कनेक्टेड विद हिज स्टूडेंट्स स्पेंड टू मंथ्स इन कंस्ट्रक्टिंग अ मेक शिफ्ट रूम मैंगो ट्रीज एट द हाइट ऑफ 20 feet हेल्प इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ वीक रिसेप्शंस एंड सिग्नल्स ऑफ service provider investment equipment to further enhance the his teaching process. Our digital divide jo ki manually gave them the worksheet thereby making them stay in touch with his learning. Classic example hai. Theek hai. Tireless dedication and effort in imparting the best of his knowledge even during the worst time. इससे related GS paper 2 में question पूछ सकता है कि critically analyze the impact of the corona pandemic in Indian education sector. ठीक है. Next article से is about the nuclear capable Agni-P missile test fired. इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट. तो आर्टिकल क्या है, अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, Agni-P. ठीक है. डिजाइन एंड डेवलप बाई द DRDO. फैमिलीज ऑफ अ मीडियम ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कैन बी फायर्ड फ्रॉम रोड रेल मोबाइल्स लॉन्चर पावर्ड बाई सॉलिड प्रोपेलेंट्स. अग्नि 1 एंड अग्नि 5 अग्नि 1 टू अग्नि 5 प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP. ठीक है. लेकिन Agni-P जो है वो ये इंटीग्रेटेड गाइड
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये 2008 में ही डिसमेंटल कर दिया गया। फिर इंडक्टेड इनटू द सर्विस टू एक्ट हैज डेटरेंस एंड मीट द कंट्री सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्रेडिबल्स डिटरेंस अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। अग्नि वन जो कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज ऑफ 700 to 800 किलोमीटर्स, वेट क्या है 12 टन्स, लेंथ 15 मीटर्स तक है, कैपेबल ऑफ कैरिंग कन्वेंशनल पेलोड ऑफ 1000 केजी और न्यूक्लियर वारहेड एट द स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ऑपरेशनल्स विथ द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। अग्नि टू जो है वो है सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, कैपेबल टू कवर द रेंज ऑफ 2000 to 2500 किलोमीटर्स, लेंथ 20 मीटर्स है विथ डायमीटर्स ऑफ 1 मीटर्स, वेट 18 टन का वेट है, ठीक है, टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इन बोथ द स्टेज। अग्नि थ्री मिसाइल है जो कि इट इज़ IRBM, रेंज ऑफ 2500 to 3000 किलोमीटर्स, पावर्ड सॉलिड प्रोपेलेंट्स इन इट्स बोथ स्टेज, कैन कैरी द वारहेड ऑफ 1.5 टन्स, क्लेम दैट द मिसाइल्स सर्कुलर एरर प्रोबेबल लाइज विद इन द 40 मीटर्स, मोस्ट एक्यूरेट एंड डेडलीस्ट स्ट्रेटेजिक ब्लास्टिक मिसाइल्स ऑफ रेंज क्लासेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट अग्नि फोर मिसाइल्स दैट इज 3500 to 4000 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स अर्लियर टर्म्स एज अग्नि टू प्रीमियम, कैन कैरी वारहेड ऑफ 1 टन, टू स्टेज मिसाइल्स है, लेंथ 20 मीटर्स है एंड द लॉन्च वेट इट अबाउट 17 टन। देन नेक्स्ट इज अग्नि फाइव मिसाइल्स दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंडिया फर्स्ट ICBM, रेंज मोर देन 5000 किलोमीटर्स, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स, लेंथ 17.5 मीटर्स, वेट है 50 टन्स, 3 प्रोपेलेंट स्टेज है, कैन कैरी अ वारहेड वेट मोर देन टन्स, यूज कैनिस्टर्स लॉन्च मिसाइल सिस्टम और कैनिस्टराइजेशन ऑफ द मिसाइल, ठीक है। नाउ कैनिस्टराइजेशन ऑफ द मिसाइल्स क्या होता है कि वारहेड आर प्रीमेटेड टू द डिलीवरी व्हीकल्स एंड केप्ट सील्ड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइडेड्स इंक्रीज रेडीनेस शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम्स विद एबिलिटी टू लॉन्च इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, प्रोवाइडेड नेसेसरी ऑपरेशन फ्लैक्सीबिलिटीज टू द फोर्स, इन्हांस द मिसाइल लॉन्गविटी, प्रोटेक्ट्स द सॉलिड फ्यूल्स फ्रॉम द एलिमेंट्स। अग्नि पी मिसाइल जो है सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड न्यू जनरेशन इन्हांस्ड वेरियंट्स ऑफ अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स, एडवांस वेरियंट्स ऑफ अग्नि वन मिसाइल्स, डिजाइन एंड डेवलप बाय द DRDO विथ अ स्ट्रेंथ इंडिया क्रेडिबल डिटरेंस कैपेसिटी, ठीक है। फर्दर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर उसके बाद कैनिस्टर मिसाइल है, रेंज बिटवीन 1000 to 2000 किलोमीटर्स का रेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है दैट कैन कैरी अ पेलोड ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ न्यूक्लियर वारहेड, टू स्टेज मिसाइल्स है, ठीक है।
गाइडेड सिस्टम इक्विप्ड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्यूरेटर्स, ठीक है, ये सारा है फीचर इसमें। अब इससे रिलेटेड एक प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अग्नि पी मिसाइल्स, इट इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल विद रेंज कैपेसिटीज बिटवीन 1000 to 2000 किलोमीटर, इट इज़ डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स प्रोग्राम के अंतर्गत मैंने इसको डेवलप किया गया, इट इज़ द फर्स्ट कैनिस्टर मिसाइल्स ऑफ अग्नि फाइव, नहीं अग्नि फाइव भी कैनिस्टर मिसाइल है, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट पूछ रहा है तो ओनली वन हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द कीपिंग ए लाइव कन्वर्सेशन विद अबाउट द एड्स, इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर टू में क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर्स एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, से इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स रिलेटेड टू द हेल्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट मॉडल्स सक्सेशंस लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, ठीक है। न्यूज़ क्या है कि एच आई वी इन्फेक्शंस एंड अ फ्यू फैक्ट्स ऑफ अ पॉलिसी टारगेट सजेशंस टू टैकल द स्प्रेड ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन। एच आई वी क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस है, अटैक्स द बॉडी इम्यून सिस्टम्स, करेंटली नो इफेक्टिव क्योर है, वंस पीपल गेट एच आई वी दे हैव टू लिव विथ इट फॉर लाइफ। एच आई वी कैन बी कंट्रोल विथ प्रॉपर मेडिकल केयर्स, इफ एच आई वी इज नॉट ट्रीटेड इट कैन लेड टू द एड्स। एच आई वी इन्फेक्शन अननोटिस्ड ड्यू टू द कोविड 19 आउटब्रेक। इंडिया अचीवमेंट क्या है, टुक एवरी पॉसिबल स्टेप्स टू फाइट अगेंस्ट द एच आई वी एड्स। इन 1990s इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन कैंपेन हेल्प टू क्रैक द ट्रांसमिशन ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन, इनफोर्स स्ट्रिक्ट एंटीनेटल प्रोटोकॉल्स, अपग्रेड ऑफ ब्लड बैंक्स विथ सुपीरियर टेस्टिंग फैसिलिटीज, एक्सीलेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड इंटेंसिव फ्लो ऑफ एक्शन प्लान्स लेड टू द सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस इन द इंसिडेंस ऑफ एच आई वी टिल 2013, ठीक है। एंड केयरलेसनेस अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट रिजल्टिंग इन द पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कंट्री वाइड, एम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज टू 90% ऑफ द पीपल लिविंग विद एच आई वी एड्स बाई 2020। इंडिया पुश्ड द टारगेट ईयर बाई एट लीस्ट 5 years। National Health Policies 2017 and the United Nations Sustainable Development Goals aim at ending the AIDS by 2030. This goal may take longer to achieve. HIV infection diagnosis rate dropped from 60% in 2010 to 23% in 2019. Mortality rate double and the new cases spike 5 times more. This is a deadly combination, ठीक है। ये सारे रिपोर्ट दिखा रहा है, सजेशन क्या दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप्स फाइनेंशियल सपोर्ट्स पब्लिक सपोर्ट्स एंड अचीव एंड एक्टिविजम्स स्पेशली इन द सक्सेसफुल हैंडिंग, ठीक है। कीप इट्स डिबेटिंग द एड्स एच आई वी इशूज नीड फॉर द मल्टी सेक्टोरियल एंड मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये सब करना है हम लोग को। स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम रखना है, फिर उसके बाद री इंजीनियर एंड इंटीग्रेटेड कंसल्टिंग ऑफ द टेस्टिंग सेंटर टू अपहोल्ड द राइट टू ट्रीटमेंट एंड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल अफेक्टेड, ठीक है। इससे रिलेटेड जीएस पेपर टू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्कस द प्रोग्राम मेड सो फार इन द
कैंपेन अगेंस्ट द एड्स इन इंडिया इवेल्युएट द वेरियस मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट एड्स एंड मेंशन द वे टू टैकल इन फ्यूचर. फिर नेक्स्ट आर्टिकल्स अबाउट द यूक्रेन. यूएस लॉन्च ब्लैक सी ड्रिल. ठीक है, इससे रिलेटेड प्रीलिम क्वेश्चन पूछ सकता है. जीएस पेपर वन में क्वेश्चन पूछ सकता है ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द लोकेशन पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री. तो रेड सी कहाँ है, एक्सटेंड साउथ वर्ड्स फ्रॉम स्विच टू बाब अल मंदेब बल अल मंदेब स्ट्रेट्स. ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्दर्न एंड स्पिट्स इनटू द गल्फ ऑफ स्विच टू द नॉर्थ वेस्ट द गल्फ ऑफ अकबा टू द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, सेपरेट द कोस्ट ऑफ द इजिप्ट सूडान एंड एट्रिया टू द वेस्ट and Saudi Arab Yemen to the east, connecting Mediterranean Sea via the Suez Canals. One of the most heaviest traveled waterways in the world. ठीक है, Mediterranean Sea के बारे में देख लो कि international sea है. ठीक है, Mediterranean Sea के देखो Black Sea है, फिर Aegean Sea है, फिर उसके बाद आयोनियन सी है, फिर ऊपर में एड्रेटिक सी है, फिर टेरेनियन सी है, फिर उसके बाद बैलरिक सी है. ठीक है, बार्सिलोना के पास बैलरिक सी है, यहाँ पर ऊपर में लिगुरियन सी है मोनाको के पास. ठीक है, तो ये मेडिटेरेनियन सी के बारे में है. ठीक है, स्विच कैनाल कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को. ठीक है, ये एजेंसी के बारे में बता रहा है, ग्रीस के पास है, तुर्की के पास है. ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द बॉर्डर विद द रेड सी. तो सूडान करता है, सऊदी अरब करता है, इजराइल नहीं करता है, गल्फ ऑफ अकबा से करता है. ठीक है, यमन करता है, तुनिसिया नहीं करता है. तो वन हो जाएगा, टू हो जाएगा और फोर हो जाएगा, वन टू और फोर. ठीक है, सी आंसर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट आर्टिकल्स अबाउट द डेटा पॉइंट है. ठीक है, न्यूज़ क्या बोल रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ द कोविड पैंडमिक लॉकडाउन ऑन द पर्सनल इनकम एंड द फूड कंजप्शन. हंगर वॉच रिपोर्ट्स एनालिसिस टू प्रोवाइड द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, इनकम ड्रॉप्स, तो इनकम ड्रॉप्स हो गया 27% रिस्पॉन्स लॉस्ट देयर इनकम ड्यू टू द नेशनल लॉकडाउन. 24% रिपोर्ट्स द रिकॉर्ड that they lost 50% of their income. ठीक है, और 50% lost their 50% of their income. 6% respond that their income did not change despite of the lockdown. 6% ही ऐसा बोला, बाकी 24% और 27% बोला कि उसका income loss हो गया. ठीक है, और रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो तुम्हारा बढ़ चुका है, रिटेल इन्फ्लेशन. ठीक है, हैज स्पेंड 500 मोर कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट बिटवीन द 2016 टू 2019. ये सब डेटा है, आप यूज कर सकते हैं हाउस होल्ड कंजप्शन में, ये ज़्यादा हो गया, बढ़ गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द NIA NSG फाइंड नो डेब्रिस ऑफ ड्रोन्स इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू मतलब कि इंडियन एयरफोर्स बेस. ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो कि NIA एक्ट 2008 एस्टेब्लिश द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट एजेंसी NIA ये एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ द इंडिया अप्लाइज. सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड द इंडिया में भी अप्लाई करता है. ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स वेयर एवर दे मे भी इन्वेस्ट कर सकते, ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है. पर्सन ओनरशिप एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर दे मे भी. NIA इज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया कैन इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट फॉर ऑफेंस अंडर द फॉलोइंग स्टैट्यूट्स.
तो कौन कौन से शेड्यूल्स के अंदर ऑफेंस में, एटॉमिक एनर्जी के ऑफेंस में, ठीक है, अनलॉ एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत में, एंटी हाइजैकिंग एक्ट के तहत में, सप्रेशंस ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट, फिर सार्क कन्वेंशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत में भी, और सप्रेशंस ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ मैरिटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्स, द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम के तहत में भी इसको ये कर सकता है, ठीक है। तो सुप्रिटेंडेंट्स वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में रिक्वेस्ट द सेंटर टू हैंड ओवर द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द केस टू द NIA. सेंट्रल सेंटर्स हैज द अथॉरिटी टू इशूज डायरेक्शंस टू टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि NSG है, जो कि 1984 के तहत में यूनियन कैबिनेट डिसाइड्स टू क्रिएट अ फेडरल कंटीजेंसी फोर्स टू टैकल द टेररिज्म, NSG फॉर्मली केस केम इनटू द इनटू बीइंग इन 1986, द NSG एक्ट 1986 मॉडल्स ऑन द पैटर्न्स ऑफ स्पेशल एयर सर्विस ऑफ द UK एंड UK और जर्मनी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल्स है अबाउट LOSCA एग्जाम, ये पिटिशन फाइल किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट में के अलाउ करे चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है सेटअप इन 1949 मतलब आज़ादी के बाद बाय द चार्टर अकाउंटेंट एक्ट ऑफ 1949 प्रीमियम अकाउंटिंग बॉडी है, ठीक है, रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ द चार्टर अकाउंटेंट इन द कंट्री, ठीक है। अब वही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी एस्टेब्लिश बिफोर इंडिपेंडेंस, नहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये स्टैचुटरी बॉडी है बिल्कुल सही है लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 में एस्टेब्लिश किया गया, इट्स इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, नहीं ये प्रेसिडेंट इसको हेड नहीं करता है, ठीक है। 40 मेंबर है, 40 मेंबर हेड करता है, ठीक है, जो कि 32 इलेक्टेड रहता है बाय द चार्टर अकाउंटेंट एंड 8 नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इट फॉर्मुलेट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, बिल्कुल सही है। थर्ड बिल्कुल सही है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो थर्ड सही है, सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल्स अबाउट द लॉ ऑफ सिटीजन्स इन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सिटीजन जो चार्जेस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसा बोला गया, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये वाला तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ही लिया है कि चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट के बारे में, ये स्टैचुटरी बॉडी 1949 में एस्टेब्लिश किया गया था, इसको हेड करता 40 मेंबर्स बोर्ड, इसमें 32 इलेक्टेड रहता है, 8 नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद थर्ड बोल रहा है कि इट इज़ फॉर्मुलेट्स अकाउंट स्टैंडर्ड्स एंड प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोसीजर, बिल्कुल सही, इसका ये काम ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अग्नि पीफी मिसाइल्स के बारे में देखा, इसका रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, ये मतलब कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत में नहीं आता है और डिसमेंटल कर दिया गया था 2008 में ही, ये फर्स्ट नहीं है कैनिस्टर मिसाइल का, ये अग्नि 5 कैनिस्टर मिसाइल ही है, ठीक है, ए डी एन से हो जाएगा। फिर रेड सी के बारे में बता रहा है कौन कौन सा कंट्री टच होता है, ठीक है। फिर लास्ट में प्रीलिम का मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे GS पेपर 2 के लिए, क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना पैंडेमिक ऑन द इंडियन एजुकेशन सेक्टर और डिस्कस द प्रोग्रेस मेड सो फार इन द कैंपेन अगेंस्ट द एड्स इन इंडिया, evaluate the various measures taken by the government against the AIDS and mention the way to tackle it further. Please like, subscribe and share the video. Thank you.